वेलकम टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में। हाउ मैनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस में कितने पिगमेंट इन्वॉल्व होते हैं, कितने वर्डक इन्वॉल्व होते हैं, भाग लेते हैं। लुकिंग एट द प्लांट्स, हैव यू एवर वंडर्ड वाई हाउ एंड हाउ देयर आर सो मैनी शेड्स ऑफ ग्रीन इन देयर लीव्स इवन इन द सेम प्लांट्स। तो आपने किसी पौधे को देख रहे होते हैं, तो क्या आपने कभी ये आश्चर्य हुआ है कि उसी पौधे में पत्तियों के हरे रंग में सूक्ष्म अंतर क्यों और कैसे होता है? वी कैन लुक फॉर एन आंसर टू दिस क्वेश्चन बाई ट्राइंग टू सेपरेट द लीफ पिगमेंट्स ऑफ एनी ग्रीन प्लांट थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी। हम इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी भी हरे पौधे के पर्णवर्धकों को पेपर क्रोमेटोग्राफी द्वारा अलग कर सकते हैं। ए क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ द लीफ पिगमेंट्स सो दैट कलर दैट वी सी इन लीव्स इज नॉट ड्यू टू सिंगल पिगमेंट बट ड्यू टू द फोर पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए ब्राइट और ब्लू कलर ब्लू ग्रीन सॉरी क्लोरोफिल ए ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन क्रोमेटोग्राम। फिर क्या है, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन, जेंथोफिल येलो एंड कैरोटीनाइड येलो टू येलो ऑरेंज। इस तरीके से लेट अस सी व्हाट रोल्स वेरियस पिगमेंट प्ले इन फोटोसिंथेसिस। तो इनका क्या क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है? तो इसका क्या है कि नाउ लुक एट द फिगर। आप फिगर में देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे दिया गया है कि क्लोरोफिल ए कैरोटीनाइड्स और क्लोरोफिल बी हैं। तो नाउ लुक, देखो, शोइंग द वेवलेंथ एट विच, वेवलेंथ भी यहाँ पे शो की गई है फिगर में। इस तरीके से देखिएगा, ये बना हुआ है 400 से लेकर 700 तक होता है विजिबल लाइट का वेवलेंथ, और ये इस तरीके से शो किया गया है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो अब क्या है कि देखते हैं इसमें कि वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट, कैन यू सी दैट द वेवलेंथ एट विच देयर इज ए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लोरोफिल ए दैट इज ब्लू और ग्रीन रीजन, ब्लू और ग्रीन, ब्लू और रेड रीजन्स आल्सो सो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हैंस वी कैन कंक्लूड दैट क्लोरोफिल ए इज़ द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विथ फोटोसिंथेसिस। तो हमने ये देखा है कि आप देख रहे हैं कि जो क्लोरोफिल ए है वो यहाँ पे मैन पिगमेंट है एसोसिएशन फोटोसिंथेसिस के लिए, और रेड और ब्लू और रेड रीजन्स में हायर ओटी होती है फोटोसिंथेसिस, ठीक है? तो अब देखिए, ग्राफ टुगेदर सो दैट द मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ब्लू और रेड रीजन्स ऑफ द सब स्पेक्ट्रम। सम फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस एट द अदर वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। तो क्या है कि ये ग्राफ एक साथ बता रहे हैं कि दोनों ग्राफ एक साथ बता रहे हैं कि अधिकतम प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम नीले और लाल के क्षेत्र में संपन्न होती है। अधिकतम जो प्रकाश संश्लेषण है वे ब्लू और रेड रीजन्स में संपन्न होता है, और जो कुछ प्रकाश संश्लेषण स्पेक्ट्रम की अन्य तरंग दैर्ध्य पर भी संपन्न होता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। लेट अस सी हाउ दिस हैपन। दो क्लोरोफिल ए इज द मेजर पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट, अदर थैलेकोइड्स पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल बी एंड जैंथोफिल एंड कैरोटीनाइड विच इज कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट। तो ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं, जैंथोफिल है, कैरोटीनाइड्स है, ये एसेसरी पिगमेंट्स हैं। आल्सो एब्जॉर्ब लाइट, अब लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू द क्लोरोफिल ए। इंडीड दे नॉट ओनली एनेबल्ड ए वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस बट आल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन। तो क्या है कि जो थैलेकाइड में जो वर्डक हैं जैसे क्लोरोफिल, फिर भी अन्य थैलेकाइड
जो जैंथोफिल हैं, कैरेटोनाइड हैं, ये सहायक वर्धक होते हैं, वे प्रकाश को अवशोषित करके करते हैं और अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल ए में स्थानांतरित कर देते हैं। वास्तव में ये जो वर्धक पिगमेंट है, न केवल प्रकाश संश्लेषण को प्रेरित करने वाले उपयोगी तरंग दर को के क्षेत्र को बढ़ाते हैं, बल्कि ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाते हैं, यानी कि ये प्रोटेक्ट करते हैं क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से। कौन कौन से जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।